दोस्तों आपने बहुत सारी गाड़ियां देखी होंगी जिसमें अलग अलग नंबर प्लेट्स लगी रहती हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है पूरा बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिए। दरअसल लाल रंग की नंबर प्लेट जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है, तो मैं आपको पूरा क्लियर बता देता हूँ, लाल रंग की जो नंबर प्लेट होती है जिसके अंदर वाइट कलर से लिखा होता है और उस पर टी भी लिखा होता है, वो एक टेम्प्ररी नंबर प्लेट होती है जो डीलर को दी जाती है जिससे वो कस्टमर को टेस्ट ड्राइव वगैरह दे सके और बाद में वो चाहे तो वो उसे बेच भी सकता है और फिर गाड़ी फर्स्ट ओनर ही रहती है। लेकिन जो दूसरे नंबर की लाल रंग की नंबर प्लेट होती है जिसके अंदर भारत का एम्बलम भी लगा होता है बट इसमें नंबर प्लेट नहीं लगी होती, ठीक है, मतलब नंबर नहीं लिखा होता, तो ये स्पेशल सरकार की गाड़ियाँ होती है जिसे राज्यपाल को दिया जाता है या स्टेट हेड को दिया जाता है और भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है जिसे उनके ड्राइवर वगैरह चलाते हैं, ठीक है। फिर होती है सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट, ये अधिकतर आप लोगों ने गाड़ियाँ चलती हुई देखी होगी, इसके अंदर ब्लैक अक्षरों से लिखा होता है, ये आम नागरिकों के लिए पर्सनल गाड़ी होती है, इसमें जो नंबर प्लेट लगी होती है वो HSRP होती है, ठीक है। और पीले नंबर की जो कमर्शियल गाड़ी होती है उसके अंदर भी HSRP होती है। चलिए अब पीले नंबर की गाड़ी की बात हुई तो उसकी बात कर लेते हैं। तो पीले रंग की जो नंबर प्लेट होती है जिसके अंदर काले अक्षरों से लिखा जाता है वो कमर्शियल गाड़ी होती है, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, टैक्सी हो गया, इससे लोग अपना बिजनेस करते हैं और दूसरों को रेंट पे भी देते हैं गाड़ियों को, ठीक है, और उससे पैसा कमाते हैं, मतलब ओनर खुद नहीं कमाएगा, ठीक है, वो किसी और को दे देगा और फिर उससे वो पैसा कमाएगा। फिर इसके जैसे ही एक और नया कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर निकल के, उसके अंदर काले रंग की नंबर प्लेट होती है और पीले रंगों के अक्षरों से लिखा जाता है, तो वो ओनर कम कमर्शियल गाड़ी होती है, मतलब जो गाड़ी ओनर खुद खरीदता है वो खुद ही उसको टैक्सी के रूप में चलाएगा, रेंटल इनकम वो उससे जनरेट करता है, जैसे ऊबर हो गया, ओला हो गया, उसके अंदर वो खुद ही गाड़ी को चलाएगा और उसे बिजनेस करेगा। फिर आती है हरे रंग की नंबर प्लेट की गाड़ियाँ, अब ये भी आप लोगों को रोड पर अधिकतर दिख जाएंगी, इसके अंदर सफ़ेद अक्षरों से लिखा जाता है, ये इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ होती है जिससे यह पता चलता है कि गाड़ियाँ जो है प्रदूषण नहीं करती हैं, ठीक है, और ये इसमें पेट्रोल डीजल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होगा। फिर आती है नीले रंग की नंबर प्लेट जिसमें सफ़ेद अक्षरों से लिखा जाता है, वो विदेश से आए एम्बेसडर या फॉरेन डेलीगेट्स के लिए होती है जिन्हें ऑफिशियली सरकार काम पे लगाती है, या फिर इसका फ़ायदा ये होता है कि जो विदेशी नागरिक होते हैं उनको ज़्यादा उसमें ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता, तो ये फ़ायदा होता है। फिर आती है काले रंग की नंबर प्लेट जिसमें सफ़ेद अक्षरों में लिखा जाता है और इसके अंदर एक ऊपर की तरफ तीर भी लगा होता है और ये गाड़ी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, रेयर मिलेंगी, ये गाड़ियाँ सेना को दी जाती है और इसका प्रयोग सेना देश की सुरक्षा के नज़रिए हेतु अपने सैनिकों को भारत में इधर उधर जाने के लिए देती है, जैसे भ्रमण करना है या कोई नागरिक का सैनिक है, ठीक है, वो अपने घर जाना चाहता है तो वो इनकी कमर्शियल गाड़ियों को लेकर जाना चाहता है, चिट्ठी वगैरह देने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल रियल क्लासेस को फॉलो जरूर करें।